हेलो भाई, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है आप लोगों के लिए, जिनको भी वीवो से एग्ज़ाम देना है उन सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की बटन क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोगों को पता हो कि वीवो का जो दिसंबर 2024 सेशन का जो एडमिशन था, रजिस्ट्रेशन का डेट है, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी 3 अक्टूबर को वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही बीबॉस ने एक नोटिस जारी किया है और एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ रहा है सामने के लिए, जो कि मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। उसमें दिसंबर 2024 का जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग को दिसंबर 2024 में नहीं, जून 2025 में एग्ज़ाम देना है, उसके लिए भी जो डेट है वो भी कब तक किया गया है, बढ़ाया गया है एडमिशन के लिए, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग को बीबॉश में एडमिशन करवाना है, अगर आप लोग बीबॉश से क्लास 10th या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग बीबॉश में एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, अगर आप हमसे करवाते हैं एडमिशन, तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मैं ही भरूंगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भी मैं ही भरूंगा, आप लोग का एडमिशन भी मैं करूंगा, स्टडी मटेरियल भी PDF में आप लोग को दूंगा, डमी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके दूंगा मैं आप लोग को, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके दूंगा आप लोग को, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा आप लोग को, जो भी आप लोग का सवाल रहेगा टाइमली आप लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे से, और सभी अपडेट आप लोग को टाइम से मिलेगा ही। वो तो यूट्यूब पे भी मिलता है और टेलीग्राम पर भी मिलता है आप लोग को। तो आप लोग को अगर एडमिशन करवाना है, जिन लोगों को एडमिशन करवाना है दिसंबर 2024 सेशन में, वो आप लोग मुझे इस ID पर मैसेज कीजिए जो कि Telegram ID है। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कीजिए @_KL। इस ID पर आप लोग को टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि डेट जो है वो कब तक बढ़ाया गया है, चाहे वो दिसंबर 2024 सेशन का हो या फिर जून 2025 सेशन का हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को दिसंबर 2024 में एडमिशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, उन लोगों के लिए अब जो डेट है वो अब ज़्यादा दिन नहीं है। 3 अक्टूबर को देखिए, ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, 3 अक्टूबर को, ये देखिए, 17 दिसंबर 2024 सेशन में नामांकन एवं पंजीकरण हेतु तिथि का विस्तार करके 3 अक्टूबर तक किया जाता है। ये पुराना नोटिफिकेशन है, या इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। नीचे जो आप लोग को लिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2024 माध्यमिक यानी कि 10th और उच्च माध्यमिक 12th में नामांकन हेतु तिथि का अवधि का विस्तार करके 18 अक्टूबर तक किया गया है। देख लीजिए, ये आप लोग साफ साफ लिखा हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, 18 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2024 सेशन में, अगर आप लोग को एडमिशन लेना है उनके लिए। और जिन स्टूडेंट्स को जून 2025 सेशन में एडमिशन लेना है, जो दिसंबर 2024 में नहीं लेना चाहते हैं, जिनका तैयारी नहीं है, वो लोग अगर जून 2025 में लेना चाहते हैं, तो जून 2025 का भी जो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का डेट है वो 30 अक्टूबर तक ही किया गया है। 30 अक्टूबर तक आप लोग जून 2025 में एडमिशन ले सकेंगे। दिसंबर 2024 वाले 18 अक्टूबर यानी कि आज 16 अक्टूबर ऑलरेडी हो गया, और 3 दिन आप लोग को समय दिया गया है, 16, 17, 18, 3 दिन के अंदर आप लोग एडमिशन ले लीजिए दिसंबर 2024 सेशन में, अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना है तो। और अगर जून 2025 में एग्ज़ाम देना है आप लोग को, तो 30 अक्टूबर तक डेट रखा गया है आप लोग को एडमिशन लेने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, आप लोग जो एडमिशन लेते हैं वो आप लोग साइबर कैफेज जो ले लेते हैं, उन लोगों को बच के रहना है। ठीक है, साइबर कैफे वाले को एडमिशन के बारे में और बीबॉस के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो उन लोग के थ्रू आप लोग अगर एडमिशन लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। उनको आइडिया ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना होता है उसके 1-2 मंथ के बाद। तो ये सब से बचने के लिए आप मेरे से एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, सारा कुछ मैं आप लोग को करके दूंगा आप लोग के लिए। आपको बस एग्ज़ाम देना है, पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, और अगर आप किसी और से करवाते हैं तो वो लोग 10-15 हज़ार लूट भी लेंगे। फिर आप लोग आखिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर मुझे लूट लिया गया, कोई 15 हज़ार ले लिया, कोई 20 हज़ार रुपये ले लिया, कोई एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में दिखाया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं, 5-6 स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन है उनका जून 2024 सेशन में, लेकिन उनका एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भराया है, उनके कोऑर्डिनेटर ने एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही भूल गए और अब बहाना बना रहे हैं। तो ये सबसे बचने के लिए आप मेरे से एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, एडमिशन उनसे करवाइए आप लोग जिनको बीबॉस का नॉलेज हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बीबॉस का नॉलेज ही नहीं है और वो लोग एडमिशन कर रहे हैं, उनसे क्या होता है, वो लोगों से क्या होता है, वो लोगों से आप लोग एडमिशन तो करवा लेते हैं लेकिन आप लोग का 1-2 साल बर्बाद हो जाता है। किसी का कुछ फंस गया, किसी का कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, किसी का एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरा है, किसी का एडमिशन ही नहीं हुआ, किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। तो ये सारे चीज़ से बचने के लिए आप मुझसे एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कीजिए।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देता हूं, तभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं। आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है कुछ टॉक के ही नाम से। आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है कुछ टॉक। टेलीग्राम पर जैसे ही आप लोग कुछ टॉक सर्च करेंगे तो आप लोग सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, उस पर आप लोग को ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 32 कमेंट्स हैं। यहाँ पर आप लोग कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ, और आप लोग पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम का फ़ायदा। अगर आप लोग को बी बॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, चाहे कोई भी हो, CBSE से फेल हो, ICSE से फेल हो, या फिर बिहार बोर्ड से फेल हो, किसी भी बोर्ड से फेल हो, अगर वो लोग बीबॉस से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग दिसंबर 2024 सेशन में एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का डेट जल्द आने वाला, अक्टूबर के लास्ट में और या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, और एडमिशन का डेट 18 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला, यानी कि अगले 3 दिनों में ये एडमिशन का डेट ख़त्म होने वाला है दिसंबर 2024 सेशन में। अगर आप लोग एडमिशन नहीं करवाते, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो अब डेट नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का फॉर्म आने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म आने के बाद फिर कोई एडमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसके पहले ही होता है, तो आप लोग करवा लीजिए, वरना आप लोग को जून 2025 सेशन में आप लोग को एडमिशन लेना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। और एक बात, दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट होता है या फिर जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में स्टार्ट होता है, ठीक है। और जून सेशन का एग्ज़ाम, अगर आप लोग जून 2025 में एडमिशन करवाते हैं तो उसका एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई या अगस्त में होता है, ठीक है, जुलाई या अगस्त में होता है। और दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम कब होता है, तो जनवरी तक हो जाता है दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोग को जून 2025 में एडमिशन लेना है या फिर दिसंबर 2024 में एडमिशन लेना है, ठीक है। जैसा भी होगा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी बीबॉस से क्लास 10th या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग बीबॉस में एग्ज़ाम देकर अपना सेशन क्लियर कर सके, 10th हो या फिर चाहे 12th। चलिए, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।